हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप एक प्यारे से घोड़े के बच्चे को अपनी माँ के साथ दौड़ता हुआ देख रहे हैं। मगर कुछ बछेरे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही दिखा देते हैं कि वो एक दिन बहुत ही उम्दा किस्म के घोड़े बनेंगे। ये बच्चा है शनि। शनिवार को पैदा हुआ एक रंग काला, इसका नाम बाबा जी ने रख दिया शनि। इसके मालिक हैं बाबा अजीत सिंह जी। ये घोड़ी है करम, करम ऑफ करामाती, करामाती घोड़े की बच्ची करम, जो एक बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन से पैदा हुई। करम की माँ आती है एडम ब्लडलाइन से, एडम की बच्ची रानी को जब मेट किया करामाती से, तो उसके कॉम्बिनेशन से निकली एक बहुत बड़ी खूबसूरत घोड़ी करम, बड़े साइज़ के साथ साथ जिसमें वो मारवाड़ी घोड़े की एक्जॉटिकनेस मौजूद है। पैंसठ इंच की घोड़ी, बहुत बड़े साइज़ में, बहुत मजबूत और एटीट्यूड ऐसा कि जैसे कोई हिरन भाग रहा हो। बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन रहता है, जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो घोड़े में से वो फुर्ती, वो चटकपन गायब हो जाता है। मगर करम उस चीज़ को बिल्कुल ही ओवर रूल करती है कि बड़े घोड़ों में फुर्ती कम हो जाती है। और ये छोटा बच्चा देख के शुरू से ही लगा कि ये एक दिन जाके नामचीन स्टैलियन बनेगा। और देखिए, वो बछेरा शनि एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े के रूप में उभर के आया, जिसकी उम्र इस समय करीब 3 साल है। और वो जो एक आइडिया था कि ये एक दिन बहुत ही बेहतरीन घोड़ा बनेगा, वो सच हुआ। और एक घोड़े मालिक के लिए और घोड़े ब्रीडर के लिए इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं है, इससे बड़ा कोई भी शो विनिंग मूवमेंट नहीं है कि उसके घर क्या ब्रीड किया हुआ बछेरा एक बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े बछेरे के रूप में दुनिया के सामने आए। घोड़ों में ये कहा जाता है कि अगर आप घोड़े की सेवा करते हो तो वो सेवा ऐसा कभी नहीं है कि आपको भगवान उसका फल ना दे। इसकी बहुत ही प्यारी एग्जांपल है बाबा अजीत सिंह जी, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, करीब 20 साल से। और बाबा जी के ना तो प्यार में कमी आई घोड़ों की, ना बाबा जी के जुनून में कमी आई अपने घोड़ों को संभालने के लिए। बाबा जी ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं, मगर भले वो आधी रात को भी घर आएँ, जब तक वो अपने घोड़े को अपने हाथों से कुछ खिला ना दे, जब बाहर निकाल के उसको थोड़ा घुमा के टहला के उसको लेटा ना दे, तब तक बाबा जी खुद खाना नहीं खाते हैं। और यही सेवा का फल इस समय शनि के रूप में बाबा जी के घर में मौजूद है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये घोड़ा और भी खूबसूरत और बेहतरीन उम्र के साथ बनता जाए और बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर के रूप में ये सामने आए। थैंक यू।